हूँ जितना सोच के आया था उससे 10 गुना ले लिया हूँ। यहाँ लाइव क्या काम किए? लाइव पावर आईसी, सीपीयू, डुअल लेकर सब किया। आखिर जो डुअल जी सर, नाइन प्रोग्रामिंग आपको बोलिए, नाइन प्रोग्रामिंग बताइए आप। नाइन प्रोग्रामिंग सर, पहले तो लगता था आईफोन का फ्लैशिंग करने के लिए डर लगता था, लेकिन अभी तो हो एंड्रॉयड से भी ज़्यादा आसान है। चलो सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब ऑफिशियल चैनल एसे टेलीकॉम। आज है लास्ट डेट 28 अक्टूबर का ये बैच, और मेरे साथ स्टूडेंट है निहार। निहार कहाँ से आप? जी सर, ओडिशा से हूँ। ओडिशा में कहाँ से आप? ओडिशा जाजपुर। क्या तो मुझे बताइए, आपने निहार इस फील्ड को कब चुना और आप कब क्या काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आप कब से काम कर रहे हैं? जी सर, मैं यहाँ पर इस लाइन में 3 साल से काम कर रहा था। 3 साल क्या काम कर रहे हैं? 3 साल से काम क्या कर रहा था उसको तो बाद में, लेकिन जितना मोबाइल कस्टमर का ख़राब किया और जितना नया फ़ोन उनको खरीद के दिया उसका आज डब्बी को मेमोरी करके रखा। क्या बात कर रहे हो, आप नया फ़ोन खरीद के दे देते थे? हाँ सच बताइए। जी सर, मैं एक MI 7 है, Realme 2 और 3 फोन है, उसका डब्बी को आज तक मेरे रैक में। उसमें क्या 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 खराबी आई थी, थोड़ा केस स्टडी बताओ एक। सर उसमें तो एक का था, मोबाइल सिर्फ पानी में गिरा हुआ था और उसको वॉश करा, उसके बाद वो डेड हो गया। अरे बाप रे, तो उसको चालू नहीं कर पाए, डायग्नोज नहीं कर पाए कि नहीं सर डेड आता तो उसमें तो पूरा फंस ही जाते पूरा। आप अगर वही वाला सेट फिर से आपके हाथों में दे दूं? वो तो अभी बिल्कुल कर लेंगे। कि आपका पावर खराब है, आपका CPU आपका खराब है, MMC पोर्ट बना रहा है, ये सारी चीज A to Z सर हो जाएगा सब। तो आपने सही फैसला लिया अपना? जी सर, एशिया टेलीकॉम। जी तो एशिया टेलीकॉम ही क्यों, बाकी और भी सर? एशिया टेलीकॉम आने में बहुत सारा रीजन है। एक तो सर मैं आपका वीडियो देखकर नेटवर्क का 10-12 मोबाइल बनाया, और मैं सोचा अगर वीडियो देखकर मैं इतना काम कर रहा हूँ तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद क्या करूँगा, और उसके बाद मेरे गांव कैप ऑफिशियली कैप हमारी एसर टेलीकॉम। आप देख सकते हैं पीछे जेरेक्स मलिक सर यहाँ बैठे हुए लाइव। और सर जो दूसरा रीजन है, मेरे गांव के पास से एक लड़का आया था, वो अभी मार्केट में अच्छा काम कर रहा है। तो वो हमारे यहाँ से ही था? हाँ, यहाँ से जाया गया था। और क्या नाम है उसका? नियाजुद्दीन। नियाजुद्दीन, हाँ। और तीसरा बात है सर, अगर आप बोलते हैं इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट आप है, तो आप में कुछ तो होगा जो आप बोल रहे हैं, और तो कोई मैं तो जितना लिया हूँ, जितना सोच के आया था उससे 10 गुना ले लिया हूँ। यहाँ लाइव क्या काम किए? लाइव पावर आईसी, CPU, डुअल लेकर सब किया। आखिर डुअल जी सर, नाइन प्रोग्रामिंग आपको बोलिए, नाइन प्रोग्रामिंग बताइए आप। नाइन प्रोग्रामिंग सर, पहले तो लगता था आईफोन का फ्लैशिंग करने के लिए डर लगता था, लेकिन अभी तो हो एंड्रॉयड से भी ज़्यादा आसान है। अच्छा, थ्रू आउट यहाँ पर टाइमिंग, डिसिप्लिन, टीचर का नॉलेज सब कुछ कैसा है सर? सर डिसिप्लिन का बात करूँ तो हमें एक फिल्म का डायलॉग याद आता है जो अमिताभ बच्चन बोला था सूर्यवंशम फिल्म में, कि अगर किसी पत्थर को छेनी और हथौड़ी से मार खाने से डर लगता है तो मूर्त नहीं बन सकता, वैसे ही यहाँ पर अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो काम कैसे सीखेंगे। कहने की बात यह है कि और सर जो यहाँ का खाना जो है वो मुझे बोलते थे पहले हम तो हम घर में भी चावल और एक ही सब्जी खाते थे, वो ऐसा होता है यहाँ पर हमें 2 चावल रोटी 2 सब्जी मिलता है, इसीलिए अलग लगता है हमारा जो खाने का स्टाइल है और यहाँ का ये थोड़ी अलग है, इसीलिए खाने में थोड़ी दिक्कत आता है, लेकिन हम तो एक ही सब्जी में खाते हैं, लेकिन जो हाँ ये कहने का वाला है एक सब्जी में खा लेते हैं। हाँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, आपने इंडिया में और दिल्ली हैदराबाद या ऐसी जगह क्यों नहीं सिलेक्ट किए? हो सकता वहाँ आपको घूमने को भी मिल जाता। नहीं सर, एंजॉय भी कर लेते, अच्छा एसी वाला रूम है, बिरयानी भी मिलती है वहाँ पर, तो खाने को है ऐसा नहीं सर। सीखना है कि क्या करना है? काम तो सीखना है और काम भी करना है मिलन सर और देव सर के जैसा। ऑनलाइन कैसा, ऑनलाइन क्यों नहीं सीखे भाई? नहीं सर, मैं ऑनलाइन भी सीखा था, एक पहले यहाँ से पहले 2 इंस्टीट्यूट गया था, एक के नाम नहीं बोलिए और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग लिया था, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे ट्रेनिंग ली? हाँ। जो पैसे दिए थे आपने? 10,000 रुपए। नॉर्मल को दिखाओ, आपने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ली?
कितने पैसे दिए थे आपने? मैं सर दिया था, मैं भी यही 4.5-5 हज़ार ऐसे ही दिया। रिजल्ट का निकला था? स्टेट कौन सा था, कौन से स्टेट के ली थी, किस मतलब शहर के इंस्टीट्यूट से ली थी, शहर बताओ। लगता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, आपने कौन से शहर से ली थी? बिहार। बिहार, तो बिहार के ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या सीखने मेरे को मिला वहाँ पे? बिहार मोबाइल बना पाए आपने? सर मोबाइल तो जो बताया वो तो वो बताया पावर आईसी को फोल्ड ऐसे ढूंढा जाता है, अगर ढूंढने से हमें तो आईसी निकालना लगाना नहीं आता है, वो फोल्ड भी ढूंढ लेंगे तो काम तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, मतलब आप निर्भर नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ऑनलाइन से काम कोई नहीं सीख सकता है। आज निहार आज एक सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है, एक रिव्यू दे रहा है, आज क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है जो ये सब कुछ कर रहा है? जी सर, और आपके में कितना? जी सर पहले वाले तो अगर डेड सेट आता तो मुझे डर लगता था, अगर कोई सेट वाटर डैमेज आता तो ऑन होता तो मुझे वॉश करने में डर लगता है कि शायद ये डेड ना हो जाए, जैसे पहले डर बैठ गया। और अभी तो वॉश करने में डर लग रहा है। अभी तो सर ऐसा है, मैं यहाँ से जाने के बाद 100 में से 70 या 75% मोबाइल तो बना ही लूंगा। और धीरे धीरे फिर वो भी परसेंटेज बढ़ता जाएगा। हाँ सर, समय के साथ सब बढ़ता है। जी सर, सिर्फ ना बन पाने का जो होता है वो एक आईसी का रिसोर्सेज का ना होना। अब जैसे सपोज कोई एक आईसी नहीं है तो फिर वो बना कैसे पाएंगे बिना आईसी? जी सर, आईसी नहीं है, सपोज सीपीयू डैमेज है तो सीपीयू को चेंज करना है, कहीं की मेमसी फाइलें नहीं मिल पाती हैं, तो एक दो रीजन उसके रहते हैं कि सेट नहीं बन पाते। जी सर, बट ये एक हमारे दिल में खुशी रहती है कि यार इसको ना मैं नहीं बना पाया तो दुनिया में कोई नहीं बना। जी सर, यहाँ पर तो हमें पैड लाइन ट्रेसिंग भी सिखाया, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा यार, ये बात बताओ मेरे को, देव सर की आपके साथ क्लास हुई सारी और देव सर ने आपको बताया, उसके बाद आने के बाद प्रैक्टिकल क्लास में कितने मोबाइल बनाए तुमने? जी सर, मैं तकरीबन 9 या 10 मोबाइल बनाया। तो आपने सर के पास आपने जाके क्लास ली, क्लास लेने के बाद आप प्रैक्टिकल क्लास में आए, क्लास में आप बैठने के बाद कितने मोबाइल बनाए? मैं 10 सेक्शन के बनाए, बताओ। मैं लाइट सेक्शन का 2 मोबाइल बनाया था, नेटवर्क का एक बनाया था, और डेढ़ 2-3 मोबाइल भी बनाया था। और एमएमसी कैसी गई आपकी? एमएमसी तो पूरा जबरदस्त। मिलन सर का नॉलेज? सर मैं तो अगर काम भी करूंगा तो मिलन सर और देव सर के जैसा ही काम करूंगा। सर की मुस्कान देखिए, और सर एक दीपक सर दिखाइए मिलन सर। एक सर एक क्लास में ऐसा हुआ कि जब एक मोबाइल नहीं बना एक ही बार में, तो हम लोग खाने चले गए, हम खाने के आदमी खाना खाने के जब आए तो तब भी मिलन सर लगे हुए थे वहाँ पर, उस दिन मिलन सर ने खाना भी नहीं खाया था। तो यहाँ के जो टीचर है, और यहाँ पर और भी मैं जब क्लास में आता हूँ 8 से 8 बजने के बाद भी मुझे कभी टायर्ड फील नहीं होता है, हर मिनट में कोई कुछ नया चीज़ मिलता है। कितनी बार बात होती थी घर में? तो मैं कभी सर अगर कॉल लिस्ट भी देखोगे तो मैं कभी कॉल नहीं किया, सब 9-10 बजे रात में वो घर से ही कॉल आता है। आज आपका ही से रिव्यू लिया गया हर स्टूडेंट का? हर स्टूडेंट के सर। और स्टूडेंट छोड़ा क्या सर? 26 तारीख को शायद एमडी सर ने हमारे क्लास में आए थे जो हॉस्टल में, हॉस्टल में, और हमें बोले थे तो समंदर भैया तो चला गया, उसने बोला था मैं फ्रेशर हूँ, और एमडी सर ने बोले कि मैं तुमसे ही कर पाऊँगा सीपीयू निकाल के, वो भी उनसे ही करवाया, लाइव करवाया, लाइव सभी से लाइव करवाया। जी सर, और यहाँ पर यार ऐसा कोई स्टूडेंट बचा है जिसने सीपीयू नहीं लगाया? नो ऐसा तो कभी नहीं। और सर यहाँ पर और भी एक, अगर हम खुद से थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं तो हमें फोकस भी किया जाता है, और जो काम नहीं करता है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, फ्रंट सीट में बैठा कर उसको सिखाया जाता है। और सबसे हमारा जो सर एमडी सर और दीपक सर हो तो हमारे साइड में बैठ कर काम कराते हैं हमसे। बिल्कुल, लास्ट डेट आपकी, आपने ड्यूअल डेकर भी किया है? जी सर। आपने लास्ट डेट टूल की क्लास हुई, तो टूल की क्लास कैसी रही आपकी? टूल की क्लास तो सर यहाँ पर तो ऐसा है, हमें टेबल का साइज भी बताया जाता है कि तुम्हारा रिपेयरिंग टेबल का साइज भी कितना होना चाहिए। और ये कहीं बताते हैं क्या? नहीं सर कहीं नहीं बताते, सच बता रहा हूँ, कहीं नहीं बताते ये। और आज आपको ZX मिली, खुद एक टूल के बड़े सेलर हैं। हाँ। एक इंस्टीट्यूट का आप सोचो रिसोर्सेज कितना बड़ा है,
कि आपको एक रिसेलर आपके सामने इतने बड़े दिल्ली के, उनका टाइम इतना कीमती है सोचो, और वो आए आपके लिए और ये सिर्फ टूल लेके सारे आपके लिए आए इतना सारा, और ये सिर्फ ये मैंने इनको सिर्फ एक बार बोला यार कि मलिक सर आप सारे टूल लेके आइए, और हम चाहते हैं कि बच्चे वो टूल देखें, हर तरह का मल्टीमीटर देखें, हर तरह के SMD देखें, और भले ही ले ना ले वो कहीं और जाके ले। कभी हमने आपसे बोला कि नो सर ऐसा नहीं लोगे तो अपडेट नहीं देंगे, लेकिन सर हम टूल लेंगे तो ZS मलिक सर से ले, क्योंकि उनका सर्विस बहुत है। UFI की बात बताओ, कॉल रात में जब सर ने हमारे होटल गए थे तो मैं उनसे 12 बजे में सर ने गए थे और मुझे बोला कि अगर तुम्हारा UFI नहीं भी हुआ और मेरे पास स्टॉक भी नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दूंगा। ऐसा मलिक सबके साथ होगा क्या? नहीं सर, नहीं मतलब रिप्लेस अगर नहीं है तो ऑन द स्पॉट पेमेंट रिफंड देंगे। जैसे इनका UFI का सीन हो गया था तो आपने रिप्लेस कर दिया? बिल्कुल सर, रिप्लेस किया। सेलर करते हैं क्या? नहीं सर, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता, गारंटी वारंटी नहीं देते। क्या बोलते हैं? यहाँ तक कि जो ये UFI इनसे हमने लिया है और इसमें प्रॉब्लम है, ये आगे चाइना भी नहीं जाएगा, यानी कि वो खराब हो गया है, मतलब और कंपनी बना के दे दे या रिप्लेस कर दे वो भी नहीं होता है। और अगर होगा भी तो उसके लिए 1-2 साल आपको वेट करना होगा। आप किसी से भी खरीदते हैं ना तो एक दिन आपके पास खराब भी आया तो वो भी आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा। इनका मैं OCA का लेना चाहता हूँ, क्या था एक्सपीरियंस आपका OCA का? हाँ सर, OCA मशीन में लिया था, नाम तो नहीं होता वहाँ, लेकिन दिल्ली से लिया था, बड़ा टूल बड़ा भी नाम था उसका। मैं सर्विस के लिए लिया था, मुझे अच्छा सर्विस मिला, लेकिन मेरा जनवरी में लिया और जनवरी से वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में मुझे वो PLC प्रोवाइड किया, वो भी मुझे जो उसका भेजा था स्पीड पोस्ट में, 8-9 महीने के बाद बार बार मैं उनसे पूछता था कि अभी तो दे दो, वो बोल रहा था कि तुमने कौन से कुरियर में भेजा उसका पर्ची मुझे दो। मैं हो तो मेरा नसीब था, अच्छा था मेरे पास वो 9 महीने के बाद भी उसका। अरे बाप रे, 9 महीने बाद पर्ची मांग रहे हैं इतने के बाद, तो ये तो बहुत ही खराब मैनेजमेंट है भाई। हाँ, उसके बाद अगर मैं नई PLC उसका नहीं खरीदता तो मेरा काम तो बंद हो जाता है मेरा। बड़ी बात, तो ये तो ऐसा दुनिया करती है और 90% लोग तो करते हैं, क्योंकि एक बार काम निकल जाने के बाद में फिर वो ये वाली बात है कि क्या फ़र्क पड़ता है। बट Acer Telecom को फ़र्क पड़ता है, इसलिए अपने स्टूडेंट के साथ जुड़े हैं। अगले महीने हमारे साथ जो स्टूडेंट है उसमें बैकअप के लिए स्टूडेंट आने वाला, नया स्टूडेंट के लिए मैं ये बोलूँगा, अगर हमारे मन में भी ऐसा था कि हम सीख पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं नया बैच को ये बोलूँगा कि अगर मन में जो भी कचरा है उसको निकल के डस्टबिन में फेंक दे और पूरा फ्रेश माइंड में क्लास में आए। स्टूडेंट को दे दूं मैं? जी सर। क्या नंबर है बोलूं? 9938411825। ये आपकी शॉप का भी कहाँ नाम है, क्या नाम है बताइए? मेरा शॉप का नाम बोराल मोबाइल है। कहाँ पर है? जाजपुर सुकिंदा ब्लॉक। तो अभी आप लाइव है, दिखाओ जरा, ये देखो ये लाइव है, लाइव नंबर दिया है इन्होंने, आप देखो यहाँ पर कैमरे में दिखाइए, लाइव नंबर दे रहे हैं, लाइव अपडेट ले रहे हैं। किसमें दम होता है बताओ मेरे को, ये किसमें दम होता है स्टूडेंट का लाइव नंबर देना? जी तुम्हारी 30 दिन की क्लास हुई है, लाइव दे रहा है तो दम है स्टूडेंट? हाँ, हो तो एक अभी बैच खत्म हुआ है मुंबई में बड़े इंस्टीट्यूट का, उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से 2-4 के भी रिव्यू नहीं लिए गए, तो स्टूडेंट रिव्यू क्यों नहीं देता एक बार बताओ सर? कौन नहीं देगा? स्टूडेंट अगर खुद से सीखा, जैसे हमने जितना सोचा था उसने 3-4 डबल मिल गया तो हम रिव्यू देते हैं, अगर नहीं सीखा तो हमें कोई, और लाइव में आप है, अगर मैं नहीं सीखा तो मैं बोल दूंगा तो उसमें क्या वीडियो, वही बात है एडिट नहीं कर सकते, एक बार जो बात चली गई वो चली गई, नाम इंस्टीट्यूट का खराब होगा कि देखो यार स्टूडेंट बोल रहा है कि वो सीख नहीं पा रहा है, तो यार ऐसा नहीं है, हम जानते हैं हर दिन का ऊपर आपसे इसलिए लेते हैं, अपना नाम चमकाते तो वो तो ऑब्वियस है, हमें अपना काम दिखाना है, हमें ये भी आपसे इंश्योर करवाते हैं कि हमने आपको जो दिया है क्या वो आपने वाकई में लिया है कि नहीं लिया है। जी सर, क्योंकि देखो बहुत से लोग ना घबराते हैं, जो चीज़ सिखा रही वो पूछ रही कि नहीं, हाँ भाई बताओ बन गई कि नहीं बन जाएगी, ज़्यादा से बात वो सोचते हैं कि क्या पता 2-4 बोल दे, नहीं सर नहीं बोला, बोला हो गया ना, मेहनत करो आगे जाओ, हाँ आगे जाओ। चलो ठीक है निहार, आपसे बहुत सारी बातें हुई हैं और यही उम्मीद करता हूँ आने जाने वाले समय में बहुत अच्छा काम करें और Acer Telecom को बैकअप में फिर से ज्वाइन करें, ताकि जो भी आपके ये कड़ी है सारे स्टूडेंट की, इस फील्ड में महान कोई नहीं है, इस फील्ड में मेहनत करते रहें अपडेट होने के लिए और किसी एक बंदे को मतलब एक संस्था को पकड़ के चलें। अगर यार आप 10 लोगों को पकड़ोगे ना तो कभी आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, एक बंदे को पकड़ो जो वो भी देखो कि वो कौन है, वो अपडेट हो रहे कि नहीं हो रहे,
हम अपडेट होंगे तो आपको ऑब्वियस करेंगे जी सर। अगली बार आप जो भी कहीं भी फंस रहे हैं, कहीं पे भी आपको लग रहा है, तो वो सेट लेके आइए हमारे पास, हमारे साथ बैठिए और उनको बनाइए। यहाँ पे आपको सिर्फ रहने खाने का खर्च लगेगा, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को कोई सभी दिखा दो, किसी को भी फीस देने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग का सिर्फ और सिर्फ जो भी दिन हम आपको बुलाएंगे सिर्फ रहने खाने के लिए बुलाएंगे, और आप जिंदगी भर हमारे साथ जुड़े हैं। कहने की बात है, हमने आपको बोला होगा एक साल, पर आप लाइफ टाइम है। और लाइफ टाइम हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बीन प्रैक्टिकल मैं जानता हूँ, लाइफ टाइम से बोलने बोल बच्चन वाली बात है कि लाइफ टाइम दे दूंगा, जॉब गारंटी दे दूंगा, ये सब दे दूंगा, ये सब कहने की बात है, कुछ नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सर मैं लाइव पावर आईसी किया, सीपीयू किया। जब सीपीयू किया तो एक अंदर आए मतलब सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है। इन्हें सीपीयू करवा दिया, ये तो है इनमें दम। हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीयू और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डे, डबल डे का आपने किया जी सर? हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर यहाँ पे, जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। अच्छा, लाइव क्या किया आपने? या सर लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर आईसी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताया था कि नहीं बताया था? आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गए आप? सर डबल डेकर किया था। डबल मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगाया, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज, लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर आईसी बनाया उसको। हां सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया, टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर। आपने तो तीन टाइम किया ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाई आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किया, ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से। Yes, sir, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? सर आज हमने डबल डेकर किया। सर डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताओ? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट
Thank you.